नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी हूँ। मैं अपोलो सेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। हमने अपोलो सेज अस्पताल में हड्डियों से संबंधित और जोड़ों से संबंधित समस्या के लिए एक स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसे कि नी एंड ज्वाइंट क्लिनिक का नाम दिया गया है। ये हर मंगलवार और हर गुरुवार, ट्यूजडे और थर्सडे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। इसमें घुटनों से संबंधित और अन्य सभी जोड़ों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका संपूर्ण निदान किया जाएगा। घुटनों में सबसे कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम आम भाषा में बोलें तो उम्र की वजह से जो घुटना घिसने लगता है वो शिकायत सबसे कॉमन है। इसके लिए अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेजेस में है, शुरुआती बदलाव है, तो उसमें कुछ दवाएं दी जाती हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस बताए जाते हैं और एक्सरसाइजेस का बताया जाता है। हालांकि लेकिन अगर तकलीफ बढ़ जाती है तो घुटनों में इंजेक्शंस का एक इलाज उपलब्ध रहता है, और अगर किसी चीज़ से ठीक नहीं होता है तो घुटनों को बदला जाता है, जिसे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, हर प्रकार का इलाज उपलब्ध है। इसी प्रकार से हिप ज्वाइंट के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर एबीएन, ये दो कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से हिप ज्वाइंट के पेन रहते हैं और हिप ज्वाइंट में दर्द रहता है। तो इसके लिए भी कुछ मेडिकेशन स्टार्ट की जाती हैं इनिशियली, और अगर तकलीफ ज़्यादा होती है तो सर्जरी की आवश्यकता होती है, जैसे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहा जाता है। तो ये भी सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, और ये जो सर्जरीज हैं यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से की जाती हैं। सारी हाई स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स और हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इन चीज़ों के लिए उपलब्ध है। तो आप में से अगर किसी को भी नी ज्वाइंट से संबंधित, हिप ज्वाइंट से संबंधित या अन्य किसी भी जोड़ से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप अपोलो सेज अस्पताल में नी एंड ज्वाइंट क्लिनिक में दिखा सकते हैं, जो कि हर ट्यूजडे और थर्सडे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर रहता है। धन्यवाद।